हेलो दोस्तों, आज हम गुड़ और तिल की बर्फी बनाने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये बर्फी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए, ये सफ़ेद वाले तिल हैं, और 300 ग्राम गुड़ और थोड़ा सा घी। अब हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने तिल को डाल दिए, गैस को हमने लो फ्लेम पे ही कर रखा है। अब लगातार चलाते हुए हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हम 2 से 3 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे, इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा जब तक ही हमें रोस्ट करना है, हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। हमने तिल को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और तिल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे तिल ठंडे हो गए हैं, अब हम मिक्सी के जार में डालकर इनको दरदरा पीस लेंगे। हमने तिल को दरदरा पीस लिए, अब हम निकाल देंगे। अब हम दोबारा से एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी से ये बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब घी को हम मेल्ट होने देते हैं। गैस को हमने लो फ्लेम पे कर रखा है। हमारा घी मेल्ट हो गया, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हम छोटा छोटा करके डालेंगे ताकि जल्दी से ये पिघल जाएगा। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ये वैसे ही पिघल जाता है। अब हम इसको चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से गल जाएगा। हमें इसको मेल्ट करना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी। हमारा गुड़ मेल्ट होने लग गया है, हम बीच बीच में इसको चला रहे हैं ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हम गुड़ को छोटा कर करके डालेंगे ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा ये। और गैस को हमने लो फ्लेम पे कर रखा है। हमारा सारा गुड़ मेल्ट हो गया, हमें सिर्फ मेल्ट ही करना है। अब हम इसमें तिल को डाल देंगे जो हमने दरदरे पीसे थे। अब फटाफट से हम इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने लो फ्लेम पे कर रखा है। हम जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि हमारा गुड़ जल्दी से सेट हो जाता है, और जिस प्लेट में हमें बर्फी जमानी हम उसको भी घी से ग्रीस कर देंगे। हम फटाफट से मिक्स कर देंगे तिल को गुड़ को। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमने गैस बंद कर दिया है। मैंने इस थाली में बर्फी को जमाया है, तो मैंने को घी से ग्रीस कर लिया था। अब हम अच्छे से इसको सेट कर देंगे। ये बर्फी बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। हमने बर्फी को जमाने के लिए अच्छे से सेट कर लिया है। हम चम्मच से सही कर देंगे ताकि इसकी शेप सही हो जाएगी, और ये बहुत ही कम समय में बन जाती है और जल्दी से टाइट हो जाती है ये। तो हम ये जल्दी से जमा लेंगे इसमें, और ये हल्का गर्म रहेगी तब भी हम इसमें कट लगा लेंगे। बाद में टाइट हो जाती है तो कट नहीं लगाए जाते। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये हल्का गर्म रहेगी तभी हम इसमें कट लगाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी बर्फी सेट हो गई है। ये हल्की सी थोड़ी गर्म है तो हम अभी इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि बाद में ये बर्फी टाइट हो जाती है, गुड़ टाइट हो जाता है जल्दी से इसका, तो हम हल्का गर्म रहेगी तभी कट लगा लेंगे। ये बर्फी बहुत ही आसानी से बन जाती है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लड्डू की जगह बर्फी भी बनाकर खा सकते हैं, इसका भी टेस्ट बिल्कुल लड्डू की तरह ही आता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब हम इसको 5 मिनट और छोड़ देंगे, फिर निकाल लेंगे। हम ये बर्फी आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, तो ये बर्फी खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इस तरह से ये बर्फी ज़रूर बनाकर खाइए।